खरगोन जिले के सेगांव क्षेत्र में उल्टी दस्त का प्रकोप जारी है, जहां चिकित्सालय में मरीजों का आंकड़ा 16 दिनों में लगभग 280 पर पहुंच गया। इंदौर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्वास्थ्य टीम के डॉक्टर वीसी गोस्वामी, डॉक्टर अंजू माहौर, डॉक्टर गुणवंत एक्का, डॉक्टर राजन अहिरवार, सुश्री डॉक्टर शिखा नामदेव के साथ सेगांव पहुंची। यहां तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार, बीएमओ डॉक्टर हरिसिंह जाटव, पीएचई और पंचायत टीम के साथ नगर जल स्रोतों का अवलोकन कर 10 पानी के सैंपल, 2 स्टूल सैंपल मरीजों और नगर के सिंगाजी मंदिर गली, मस्जिद चौक, नाई व नया नगर मोहल्ले के घरों से पीने के पानी के 30 सैंपल लिए। इंदौर से आई टीम मरीजों व नगर वासियों से रूबरू होकर उन्हें उल्टी दस्त से बचने के उपाय बताते हुए स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये जो सेगांव की स्थिति को लेते हुए यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के बीएमओ ने, सीएमएचओ ने हम लोगों को एक पत्र लिखा। वो तो पत्र लिखने के बाद में हमारी आदरणीय अधिष्ठाता महोदय ने जो है हमको निर्देशन दिया कि भी हम गांव में जाएं, यहाँ की स्थिति क्या निर्मित है, उस स्थिति का आकलन करें। हम लोग आकलन करके हम लोगों की तरफ से हम लोग सजेशन करें। तो इस टीम में मुख्यतया से मैं, डॉक्टर वीपी गोस्वामी जो टीम लीडर हैं, डॉक्टर माहौरे हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर गुणवंत इसके हैं वो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, मेडिसिन के लिए भी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो भी आए हुए हैं और माइक्रोबायोलॉजी के कलेक्शन के लिए मैडम भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये जाना कि वाटर सप्लाई कहाँ से हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 कुओं से लगभग वाटर सप्लाई हो रहा है और कहीं पे मिक्स हो रहा है, कहीं पे आइसोलेटेड हो रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि एक वाटर सैंपल को लेके हम लोग इस बीमारी को ज्ञात कर सकें। तो हमने जगह जगह पे वाटर सैंपल लिए हैं। हमने पीएचई विभाग से भी, एक अच्छी बात है, पीएचई विभाग ने हमारे आने के पहले ही मतलब जो है वाटर का सैंपल लेकर उसकी जाँच करा दी थी। पर हमने फिर एक दो जगह जो सैंपल छूटे हुए हैं उसको हमने उनसे निवेदन किया है कि उस सैंपल का भी जांच करें, और वो उन्होंने जांच अभी ले ली है। एक हमने भी जांच ली है पानी की, इनकी रिपोर्ट आने के बाद में कौन सा जो है बैक्टीरिया या जीवाणु उसमें है, वो तो जीवाणु को हम लोग ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ में हम लोगों ने हॉस्पिटल विज़िट किया। हॉस्पिटल में हमने देखा कि दवाइयों का सफिशेंट स्टॉक है। हमारा जो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं और जो पूरी उनकी टीम है वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो चिंता करने की वाली बात यह है कि इसमें हमेशा 10-20 केसेस हो रहे हैं। अभी तक 300 केसेस के लगभग अस्पताल में आ चुके हैं। तो उनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी हम लोग एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन को यहाँ पर देने वाले हैं, और फिर जांच की रिपोर्ट आने के बाद में एक कंपाइल रिपोर्ट करके हम लोग वापस से हमारे अधिष्ठाता महोदय के थ्रू, मैडम के थ्रू, ज्योति बिंदल मैडम जो है हमारे अधिष्ठाता है, उनके थ्रू हम लोग कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। वहाँ तक हमने यहाँ के जो महिलाएँ हैं और यहाँ के पुरुष है उनकी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमने उनका हेल्थ एजुकेशन किया है, उनको इकट्ठा करके किस तरीके से वो अपने लेवल पे इस समस्या से निजात पा सके। जैसे कि छोटे छोटे चीज़ें, नाखून कटे हुए होना चाहिए, हाथ साबुन से धुले हुए होना चाहिए, पानी गर्म करके पीना चाहिए, क्लोरीन की टैबलेट डालना चाहिए, ज़्यादा तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाए। ORS के पैकेट जो है हमारे पास में प्रचुर मात्रा पर उपलब्ध है, उसको उपयोगी जो है जनता को करना चाहिए, और जनता ने अच्छे तरीके से सुना है। तो हम आशा करते हैं कि ये रिपोर्ट आने के बाद में यहाँ पे स्थिति कंट्रोल होने की संभावना है।